हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो इसमें हम भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं और अक्षय भौतिक भूगोल में अक्षय का अध्ययन कर रहे हैं। अक्षय का बताया था अर्थ कि जो चट्टान है अपने ही स्थान पर जब उसमें टूट फूट होती है तो उसे अक्षय कहते हैं। अक्षय के कारक हम पढ़ रहे थे, भौतिक और यांत्रिक कारक है आपको कल करवाए थे और आज वायु और ताप द्वारा अवदलन है। यांत्रिक कारक में याद हम करेंगे। देखो, वायु तथा ताप द्वारा अवदलन है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था जो शब्द होते हैं उन पे ध्यान देना चाहिए। शब्दों पे ध्यान देने से हमें पता चल जाता है कि ये जो क्रिया है कहाँ हो रही है, किस तरह से हो रही है। अब इसमें लिखा है वायु तथा ताप द्वारा अवदलन। वायु और ताप द्वारा जो अवदलन है या यूं कहें वायु और ताप द्वारा जो अक्षय की जो क्रिया है यह शुष्क और अर्ध शुष्क, ये देखो शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में होती है यह क्रिया। जहां ताप अधिक होता है और जो वायु है वो भी तेज गति से चलती है। अब ये जो क्रिया है ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में ही अधिक होती है। तो ताप अधिक होता है और जो तेज हवा होती है आंधियों के रूप में चलती है, तो दोनों ही क्रियाएं शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होती है और मरुस्थलीय क्षेत्रों में होती है। अब देखो अवदलन लिखा है, अवदलन का अर्थ होता है चट्टान की जो परतें होती है उनका उखड़ना, वो अवदलन कहलाता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, वही जो पिछले वीडियो में हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो रेगिस्तानी क्षेत्र है या शुष्क जो क्षेत्र है वहाँ दिन में तापमान अधिक होता है और रात्रि में कम हो जाता है। और ये जो इस क्रिया की जो पुनरावृत्ति है वो लगातार होती रहती है। तो इस क्रिया की पुनरावृत्ति जो लगातार होती रहती है तो उससे जो चट्टाने हैं वो कमजोर होती है और उखड़ने लगती है। अब देखो ताप द्वारा क्या है, चट्टान कमजोर हो गई, चट्टान कमजोर हो गई, कभी वो फैलती है और कभी वो सिकुड़ती है, तो चट्टाने कमजोर हो गई। चट्टान की देखो ऊपरी परत है वो कमजोर हो गई है। अब देखो वायु चलेगी, तो वायु क्या चलेगी, तेज गति से चलेगी। तो वो वायु क्या करेगी, तो चट्टान की जो ऊपरी परत है उसे उखाड़ देगी वो। ठीक है, तो चट्टान की परतों को उखाड़ना उसे अवदलन कहते हैं। तो अवदलन की जो क्रिया है ताप और वायु के द्वारा होती है, कहाँ होती है, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। ठीक है, तो उसके बाद है रासायनिक अपक्षय। अब रासायनिक अपक्षय है, इसका मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि रासायनिक अपक्षय में जल महत्वपूर्ण है और यांत्रिक अपक्षय का आपको बताया था मैंने यहाँ ताप महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत आसान लेसन है ये और समझ में आ गया होगा आपको जहां तक है, क्योंकि भौतिक क्रिया है वो ताप पे निर्भर करेगी और जो रासायनिक अक्षय की जो क्रिया है वो जल पे निर्भर करेगी। एक मिनट, और इसमें देखो ये तो अवदलन है ना, इसे ऑनियन वेदरिंग भी कहते हैं, ऑनियन वेदरिंग, ऑनियन वेदरिंग भी कहते हैं। ऑनियन मतलब प्याज, जैसे प्याज के छिलके हम उतारते हैं उसी तरीके से जो चट्टान है उसके जो टुकड़े हैं वो भी अलग होते हैं चट्टान से, इसलिए इसे ऑनियन वेदरिंग भी कहते हैं या प्याज अक्षय भी इसे कहते हैं। देखो इसका उदाहरण दिया है, रांची शहर का उदाहरण दे रखा है। रांची शहर के पास काके गुंबद, ठीक है, रांची शहर है उस वहाँ पे एक काके गुंबद है
वहां पे अवदलन की क्रिया होती है, ठीक है। रांची झारखंड की राजधानी है। तो अब लेते हैं रासायनिक अपक्षय। अब देखो रासायनिक अपक्षय में मैंने बताया आपको जल महत्वपूर्ण है, जल के द्वारा ही ये रासायनिक क्रिया है वो संपन्न होती है। इसमें देखो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों के प्रभाव से रासायनिक परिवर्तन कई रूपों में होते हैं। देखो देखो कई रूपों में होते हैं, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन या जलयोजन, फिर है सिलिका का पृथक्करण, सिलिका यानी मिट्टी, यानी मिट्टी का अलग होना। तो रासायनिक अपक्षय में चार कारक है इसके, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन और सिलिका का अलग होना या पृथकीकरण। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन लेते हैं या ऑक्सीकरण। एक क्या होता है ऑक्सीडेशन, या देखो इसे ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहते हैं। इसमें देखो जो वायु की ऑक्सीजन होती है उसका जो सहयोग है जल से होता है। जो वायु है हम जो श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन गैस है उस वो श्वास में लेते हैं, यानी जो वायु की जो ऑक्सीजन गैस है उसका जो संयोग है जल से होता है। और जब ऑक्सीजन जल में मिलती है तो ऑक्सीजन की जो क्रिया है, ऑक्सीजन की जो क्रिया है चट्टानों में जो खनिज होते हैं उनसे हो जाती है। चट्टानों में देखो अलग अलग तरह के खनिज होते हैं, उनकी जो क्रिया है वो फिर जल में मिली हुई ऑक्सीजन से हो जाती है, जिससे जो खनिज है उनमें ऑक्साइड बनते हैं, जो खनिज है उनमें ऑक्साइड बनने लगते हैं, और जिससे क्या होता है चट्टानों का वियोजन होने लगता है। जो चट्टानें हैं वो कमजोर होने लगती है और उनका अपक्षय होता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहते हैं। देखो वायु की ऑक्सीजन संयोग किससे होता है, जल से। जल से संयोग होने पर ये क्या करती है, चट्टानों के खनिजों से, चट्टानों के खनिजों से ये क्रिया करती है और जिससे ऑक्साइड बनने लगते हैं। ऑक्साइड जब बनने लगते हैं तो वियोजन की क्रिया होती है चट्टानों में, और जो चट्टान है उसका अपक्षय होने लगता है। तो इस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। जिन चट्टानों में जो खनिज जो चट्टाने हैं उनमें अगर लोह खनिज अधिक है तो उन चट्टानों पर जो ऑक्सीकरण की जो क्रिया है वो अधिक होती है, क्योंकि लोहा जब ऑक्सीजन है जब ये मिलते हैं तो जंग उनमें लग जाता है और चट्टाने हैं उनका अपक्षय होता है। देखो जो आग्नेय चट्टाने हैं, जो आग्नेय चट्टाने हैं उनमें जो लोहा है वो लोह सल्फाइड और पाइराइट के रूप में पाया जाता है, के रूप में होता है, ठीक है। आग्नेय चट्टान है इनमें जो लोहा होता है वो लोह सल्फाइड और पाइराइट के रूप में होता है। तो इनपे क्या है, ऑक्सीकरण के कारण जंग लग जाता है इनपे, और जंग लगने से इनमें वियोजन होता है और जो चट्टान है उसका अपक्षय होता है। अब देखो पाइराइट और पाइराइट में क्या होता है, इसमें जब पाइराइट पर जल और ऑक्सीजन के मिश्रण से, ठीक है, जल और ऑक्सीकरण की जब इसमें क्रिया होती है पाइराइट में तो गंधक का अम्ल बनता है। देखो गंधक का अम्ल
बनता है। अब जब गंधक का अम्ल बना है उससे क्या होती है चट्टान गलने लगती है, ठीक है। पायराइट पर, पायराइट है जो खनिज है चट्टानों में पाया जाता है, एक लोहे का रूप होता है। इस पर जब जल और ऑक्सीजन की जब क्रिया होती है तो गंधक का अम्ल बनता है, और जो गंधक का अम्ल के कारण जो चट्टान है वो गलने लगती है, यानी जो चट्टान है उसका अपक्षय होने लगता है। तो उसके बाद है कार्बोनेशन। देखो कार्बोनेशन में कार्बाइड बनते हैं, इसमें कार्बोनेट बनते हैं। इसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण जब जल से होता है तो कार्बोनेट बन जाते हैं, इसे मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। देखो कार्बोनेशन में क्या हो रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके कार्बोनेट बनाती है, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जल से क्रिया करके कार्बोनेटों का निर्माण करते हैं, और जो कार्बोनेट है ये जल में घुलनशील होते हैं। जो कार्बोनेट है वो जल में घुलनशील होते हैं, और कार्बोनेटों के निर्माण के कारण चट्टानों के घुलनशील तत्व उनसे अलग हो जाते हैं, ठीक है। जो घुलनशील तत्व होते हैं चट्टानों के वो अलग हो जाते हैं, तो जिससे चट्टान है उसका अपक्षय होता है। और इसमें मुख्य रूप से जो चूना पत्थर की जो चट्टान होती है, अब जो चूना पत्थर होता है वो जल में घुल नहीं पाता है, चूना पत्थर है जल में घुल नहीं पाता है, लेकिन जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब मिल जाती है तब जो चूना पत्थर है वो जल में घुल जाता है और उसका अपक्षय होता है, ठीक है। तो उसके बाद है हाइड्रेशन या जल योजन। देखो हाइड्रेशन या जल योजन में क्या होता है, जो चट्टान है वो हाइड्रेशन होता है उसका, जल जो जल होता है चट्टान वो सोख लेती है, तो चट्टान क्या है फूल जाती है। हाइड्रेशन होने से चट्टान क्या है फूल जाती है, चट्टान के जो आयतन है उसमें वृद्धि होती है, आयतन में वृद्धि होती है। अब आयतन में वृद्धि होने से देखो चट्टान के खनिज और जो इसके कण होते हैं चट्टान के तनाव पड़ता है, ठीक है। अब तनाव पड़ता है, तनाव पड़ने से क्या होगा, जो चट्टान है वो टूटने लगेगी। फिर इस तरह से ये हाइड्रेशन या जल योजन द्वारा चट्टान का अपक्षय होता है, ठीक है। देखो चट्टानों का संपर्क जब जल से होता है तो जल की हाइड्रोजन से, अब जल की हाइड्रोजन से देखो जल का फॉर्मूला क्या है, सूत्र H2O होता है। अब जो जल है इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन होती है जल में,
तो जल की हाइड्रोजन से चट्टानों के खनिजों में हाइड्रेशन की क्रिया होती है, अर्थात जो चट्टाने हैं वो जल को सोख लेती है और उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होने से इनमें जो कण हैं, जो खनिज हैं, उन पे दबाव पड़ता है और तनाव होता है, तनाव पड़ता है इस पे, जिसके कारण जो चट्टान है उसमें का अपक्षय होने लगता है। और ये दो क्रिया है, देखो इसमें आग्नेय चट्टान है, जो आग्नेय चट्टान है ये क्रिया उसमें अधिक होती है, आग्नेय चट्टान पर हाइड्रेशन की क्रिया अधिक होती है, अधिक होती है। तो आग्नेय चट्टान पर जब हाइड्रेशन की क्रिया अधिक होती है तो ये जो आग्नेय चट्टान है टूटकर ठीक है परतदार चट्टान का रूप धारण करती है। परतदार चट्टान में बदल जाती है, आग्नेय चट्टान है उस पर हाइड्रेशन की जो क्रिया है वो अधिक होती है, जिससे ये जो चट्टान है परतदार चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है। देखो इसमें हाइड्रेशन उदाहरण दिया है, हाइड्रेशन की क्रिया द्वारा फेल्सपार नामक खनिज का परिवर्तन काओलिन मृत्तिका में हो जाता है, और जो जिप्सम है वो भी इसी का ही उदाहरण है। जिप्सम की जो उत्पत्ति हुई है वो हाइड्रेशन के द्वारा या जल योजन के द्वारा हुई है, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट है सिलिका का पृथक्करण। देखो सिलिका का पृथक्करण, चट्टानों में सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, जब जल द्वारा रसायन विधि से सिलिका युक्त चट्टानों से सिलिका अलग हो जाती है तो उस क्रिया को सिलिका का पृथक्करण कहते हैं। तो जल के द्वारा जो चट्टाने हैं उससे सिलिका जब अलग होती है तो उस क्रिया को सिलिका का पृथक्करण कहते हैं। और ये जो क्रिया है आग्नेय चट्टानों में अधिक होती है, जो आग्नेय चट्टान है उनमें अधिक होती है। आग्नेय चट्टानों में भी प्रमुख रूप से जो ग्रेनाइट चट्टान है उसमें यह क्रिया मुख्य रूप से होती है। तो इसमें जो सिलिका की मात्रा अधिक होती है ग्रेनाइट में, ठीक है, तो ये इसके द्वारा अपक्षय की क्रिया होती है। अब अंतिम लेते हैं अपना बिंदु प्राणी वर्गीय अपक्षय। अब प्राणी वर्गीय अपक्षय में देखो इसमें क्या है, तो जीव जंतु होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं और जो बिल खोने वाले जो जीव जंतु होते हैं, ठीक है। जीव जंतुओं द्वारा अपक्षय में देखो यही आएगा, जो बिल खोने वाले जीव जंतु हैं, छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं जैसे केंचुआ है, उसके अलावा देखो इसमें नाम दिए हैं गोफर, एक प्रकार की गिलहरी है गोफर, गोफर है एक प्रकार की गिलहरी है, ये बोर्ड गिला है तो मानकर चल नहीं रहा है, ठीक है। तो गोफर क्या है, एक प्रकार की गिलहरी है। उसके अलावा इसमें प्रेरी कुत्ते, दीमक, लोमड़ी, गीदड़, चींटी, चूहा आदि प्रमुख है इसमें। तो ये क्या करते हैं, जो चट्टाने होती हैं, जो जीव जंतु हैं उन्हें अपने पैरों से उसे कुरेदते हैं, और कुछ जीव जंतु हैं वो अपना बिल भी इनमें बनाते हैं। तो जिससे ये चट्टाने हैं इनका अपक्षय होता है, क्योंकि चट्टान कमजोर होने लगती है। और नेक्स्ट है वनस्पतियों द्वारा अपक्षय। देखो वनस्पतियों द्वारा जो अपक्षय होता है
ये देखो वनस्पति द्वारा जो अपक्षय है ये दो तरीके से होता है। एक तो होता है यांत्रिक और दूसरा है इसमें रासायनिक। दो तरह से वनस्पति द्वारा अपक्षय की क्रिया है वो होती है। देखो यांत्रिक में देखो क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं इनकी जो जड़ें होती हैं वो चट्टानों में प्रवेश कर जाती है और फैलने लगती है, जिससे जो चट्टान है उनमें दरारें आती हैं और वो जो चट्टानें हैं वो टूटने लगती है। ठीक है, तो ये तो है यांत्रिक क्रिया। अब देखो रासायनिक क्रिया में क्या होता है, जो वृक्ष या पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं, ठीक है, तो जड़ें क्या करती है, चट्टानों के खनिजों को चट्टाने के जो खनिजों के कण होते हैं, के कणों को अपनी वृक्ष है पेड़ पौधे हैं अपनी जड़ों में, ये जो कण हैं खनिजों के पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं उनमें चले जाते हैं, जिससे चट्टाने हैं वो कमजोर होती है, क्योंकि जो जड़ें हैं धीरे धीरे जो चट्टानों के कण हैं वो जाते रहते हैं पेड़ पौधों की जड़ों में, जिससे जो चट्टाने हैं वो कमजोर होती है और उनका अपक्षय होता है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था जो वनस्पति द्वारा जो अपक्षय है, ठीक है, वनस्पति द्वारा देखो अपक्षय की क्रिया भी हो रही है और संरक्षण की क्रिया भी हो रही है। ठीक है, अब संरक्षण है, संरक्षण कैसे हो रहा है, संरक्षण जैसे पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी है या पेड़ है उनको क्या करते हैं, अपने जड़ों के द्वारा बांधे रखते हैं, जिससे इनका अपक्षय नहीं हो पाता है। तो वनस्पति द्वारा दो तरह की क्रियाएं होती है, एक तो ये अपक्षय के कारक भी है वनस्पति और दूसरा संरक्षण का कारक भी है, बचाती भी है और उसका अपक्षय भी करती है, दोनों तरह के कार्य होते हैं वनस्पति के द्वारा। अब अंतिम है मानव जनित अपक्षय। अब मानव जनित अपक्षय है वो सबसे अधिक होता है, मानव ने जितना नुकसान प्रकृति को पहुंचाया है वो और किसी ने नहीं पहुंचाया है। अब मानव क्या करता है, अब जैसे औद्योगिक विकास के लिए कहीं पुल बनाना है सड़क बनानी है तो वो क्या करता है, ये जो चट्टाने हैं इन्हें तोड़ देता है। ठीक है, खनिजों की प्राप्ति के लिए सड़क निर्माण इन सभी के लिए ये तो प्रकृति द्वारा दी हुई जितनी भी उपहार है इन्हें नष्ट करता है। अब जैसे पहाड़ी है तो वो इन्हें डायनामाइट है जो बम है उसके द्वारा उड़ा देते हैं पहाड़ियों को भी, और औद्योगिक एवं निर्माण कार्य के लिए आवश्यक पदार्थों की प्राप्ति के लिए जैसे सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर है। तो जो मानव है वो कई तरीके से अपक्षय के लिए उत्तरदायी है, खासकर जो मानव है अपने विकास कार्यों के लिए इनका दोहन करता है। ठीक है, तो ये देखो अपक्षय है ये कंप्लीट होता है, अपक्षय के कारक और संरक्षण है वो सभी हमने पढ़ लिए हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप अपना प्रश्न कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।